हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं समीर जी के स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने पेटीएम बैंक का आईएफएससी कोड कैसे पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो कोई आपका आईएफएससी कोड आपसे पूछता है, तो आप उसको निकाल कर किस तरह से दे सकते हैं अपना आईएफएससी कोड। तो चलिए, सबसे पहले हम पेटीएम ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको बैलेंस हिस्ट्री पर क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। इसमें आप काफ़ी सारे ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें वॉलेट बैलेंस है और एयरटेल पेमेंट बैंक का बैलेंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और नीचे को आप इसमें हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। हमें आईएफएससी कोड चेक करना है तो हमें सबसे पहले ऊपर क्लिक करना होगा UPI सेटिंग्स पर। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इतना क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सारे दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगी, अपनी UPI आईडी देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पे अपना UPI नंबर देखने के लिए मिल जाएगा जिस नंबर से आप ATM यूज़ करते हैं, और यहाँ से आप अपना मतलब QR कोड भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। हमें देखना है IFSC कोड, हमें ये यहाँ पर क्लिक करना है। ये देख ली पेटीएम पेमेंट बैंक, यहाँ पे हमारे लास्ट के 4 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह का आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा, और फ्रेंड्स यहीं पे हमारा IFSC कोड निकल आएगा। तो चलिए, कौन सा IFSC कोड है ये देख सकते हैं। ये यहाँ पर हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पर हम अपना UPI जो पिन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर अपना हमारा मोबाइल नंबर दिया गया, अकाउंट नंबर, और फ्रेंड्स IFSC कोड ये साइड में ये देखने के लिए मिल रहा है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा IFSC कोड पेटीएम बैंक का है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली तरीके से अपना पेटीएम बैंक का IFSC कोड निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए बाय।